इस वीडियो में हम लोग दाद के बारे में बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं कि दाद कैसे होता है क्या कारण होता है इसका इससे कैसे बचाव कर सकते हैं मतलब क्या क्या मुख्य चीज़ें हैं जिससे कि हम इस बीमारी से मुक्ति पा सकते हैं दवाइयों के बारे में भी डिस्कस करेंगे दाद एक ऐसी परेशानी है कि जिससे ऑलमोस्ट सभी लोग इससे अवगत हैं दाद दिनाई की जो परेशानी है इसके बारे में ऑलमोस्ट सभी लोगों को जानकारी होती है और एक ऐसी अभी के समय में ये एक ऐसी बीमारी बन के उभरी है कि जिससे नाम सुनते ही डॉक्टर्स के मन में भी डर पैदा हो जाता है कि एक खत मतलब क्रोनिक और एक बहुत परेशान करने वाली बीमारी बहुत खुजली करने वाली बीमारी और जो भी लोग इसके बारे में थोड़ा जानते हैं उन्हें ये पता है कि ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग बीमारी होती है तो असल में अभी तो दाद की जो स्थिति है इतनी ज़्यादा बढ़ गई है अपने पूरे कंट्री में और विशेष करके जो गर्म और बारिश वाले इलाके हैं वहाँ पर तो दाद इतना भयानक रूप ले चुका है कि आ, उसकी सीमा नहीं है इतनी ज़्यादा तो इस इतनी ज़्यादा हो गई है कि एक महीने में इसको एक नेशनल डिजीज़ या राष्ट्रीय आपदा करार कर देना चाहिए इतनी भयानक रूप ले चुकी है चूँकि ये बीमारी किसी का जान नहीं लेती है जान के ऊपर खतरा नहीं है तो इसी वजह से ये किसी न्यूज़ में नहीं है कहीं डिस्कशन में नहीं है ये केवल आदमी को खुजली करती है और उसको परेशान करके रख देती है तो अदरवाइज इसकी स्थिति जो है वो कोरोना से भी कई ज़्यादा भयावह हो गई है इस बीच में तो दाद जो होता है एक फंगस एक फफूद होता है जो कि जिसे डर्मेटोफाइट बोला जाता है उसकी वजह से ये बीमारी होती है तो एक मायने में ये बीमारी जो होती है संक्रामक इन्फेक्शियस डिजीज़ है मतलब कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये बीमारी आसानी से ट्रांसमिट की जा सकती है साथ में ही यह एक इन्वायरमेंटल पैथोजन है मतलब कि एक मायने में इसके कीटाणु सभी जगह प्रजेंट हैं आपको ज़मीन में मिल जाएगा इसके स्पोर्ट्स मिल जाएंगे जानवरों के शरीर पर भी इसके स्पोर्ट्स मिल जाएंगे इन्वामेंट में ये हर जगह मौजूद है तो इस वजह से ये डिजीज़ इत, इसका इतना ज़्यादा प्रेजेंस है कि ये इजीली यदि ध्यान न रखा जाए तो आसानी से ये बीमारी आपको हो सकती है तो दाद कैसे आखिर एक कीटाणु जो बाहर इन्वामेंट में मौजूद है एक कीटाणु फंगस तो वो कैसे आखिर स्किन को अटैक कर देता है तो जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है कि दाद को स्किन पे चिपकने के लिए पसीने की या नमी की जरूरत पड़ती है मॉइस्चर मॉइस्चर की जरूरत पड़ती है तो जब भी आप मॉइस्चर वाले इन्वामेंट में हैं तो आप दाद के लिए प्रिडिस्पोज हैं मतलब दाद होने की संभावना आपको हो सकती है आप किसी भी उम्र के हों और यदि पसीने वाले इन्वामेंट में हैं तो वहाँ पर आपको दाद हो सकता है जैसे गर्म और अभी जो बरसात का मौसम है इसमें उमस भरी गर्मी होती है तो ये बहुत ही फेवरेबल बहुत ही आदर्श इन्वायरमेंट है दाद को स्किन पे चिपकने के लिए क्योंकि इसमें हवा में नमी है तो हमारे स्किन पर भी नमी ज़्यादा होती है और गर्मी है तो पसीना भी ज़्यादा निकल रहा है तो ऐसे कंडीशन में दाद को पूरा अच्छा मतलब एक तरह से भोजन मिल गया स्किन पे, तो वो आपके चमड़ी पर आकर बैठेगा ही बैठेगा तो इसीलिए पहले ये जो बीमारी होती थी आज के दस साल बीस साल पहले वो केवल बरसात के सीजन में देखी जाती थी इसीलिए लोग इसको गांव में बरसाती दाद दिनाई के रूप में जानते थे लेकिन अभी इसकी जिस हिसाब से भयावह स्थिति हुई है ये सालों साल देखने को मिलती है हालांकि बरसात में इसके मरीजों की संख्या काफ़ी बढ़ जाती है लेकिन अब ये बीमारी केवल सीजनल नहीं रह गई है अब ये सालों साल पूरे वर्ष में इसके मरीज़ भरे मिलते हैं और काफ़ी संख्या में ओपीडी में देखने को मिलते हैं दूसरा जो कारण ये है कि जैसे कि आपके स्किन में नमी मॉइस्चर बढ़ाने वाले सरकमस्टांसेज स्थितियाँ हों जिससे कि नमी ज़्यादा उस अंग में हो या उस हिस्से में हो या चाहे आपके कपड़े हों पहनावे हों जिसकी वजह से नमी ज़्यादा हो तो जो जांग के बीच का एरिया है वो जो होता है प्राकृतिक रूप से सभी लोगों में ऑक्लूज़न वाला हो रहा होता है मतलब स्किन आपस में चिपकती हैं तो वो जो एरिया होता है वो सबसे ज़्यादा प्रोन होता है दाद के लिए इसी तरह से जो कूल्हे होते हैं जहाँ पे दोनों कूल्हे आपस में मिलते हैं वो एरिया भी दाद के लिए बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है और अभी लोग सभी लोग वेस्टर्न टाइप के अंडरवियर पहनना शुरू कर दिए हैं जैसे जॉकी लक्स अमूल तो इनके जो अंडरवियर होते हैं सामान्यतः ये कॉटन 100 परसेंट कॉटन के नहीं होते हैं इनमें इलास्टिक टिशू मिले होते हैं तो ये क्या करते हैं कि पसीने को स्किन से बाहर नहीं जाने देते हैं तो जो भी एक तो प्राकृतिक रूप से वो ऐसे एरिया हैं कि जहाँ पर मॉइस्चर रिटेन होता है और उसके बाद व्यक्ति इस तरह के अंडरवियर पहन लेता है तो ये जो अंडरवियर होते हैं ये जल्दी पसीने को नहीं सोखते हैं और पसीना वहाँ से आसानी से इवेपोरेट भी नहीं हो पाता उड़ भी नहीं पाता हवा में निकल भी नहीं पाता तो वो नमी लिए हुए वो एरिया प्रोमिनेंट होता है इसीलिए 90 परसेंट केसेस में आप दाद व्यक्ति के अंडरबियर वाले एरिया में पाएंगे पुरुषों में जो अंडकोश की स्किन होती है स्क्रोटम वो स्किन जो होती है जाय की स्किन से एकदम चिपकती रहती है हमेशा तो इस वजह से भी वो बहुत ज़्यादा मॉइस्चर वाला एरिया हो जाता है इसी तरह से स्त्रियों में जब महीने के दिन होते हैं माहवारी का समय होता है उस समय उस एरिया में नमी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है तो जब नमी ज़्यादा बढ़ जाएगी तो ये कीटाणु चूंकि इन्वायरमेंटल पैथोजन है तो ये वहाँ पर लग जाएगा इसी तरह से कुछ लोगों का जो ये एरिया होता है जान के बीच का एरिया या फिर बटक्स मतलब कूल्हे के बीच का एरिया वो बहुत ज़्यादा हेयरी होता है मतलब उसमें काफ़ी ज़्यादा बाल होते हैं विशेष करके पुरुषों में तो जब बाल होते हैं वो बाल नमी को रुकते हैं जैसे आपने ध्यान दिया होगा कि जब आप नहा करके आते हैं तो बॉडी के पानी जो होता है जल्दी सूख जाता है और बालों का पानी सबसे लेट में सूखता है मतलब कई बार तो तौलिया से रगड़ना पड़ता है विशेष करके स्त्रियों को जब टॉवल से पूछ लिया फिर भी बाल में पानी या नमी जो होता है वो आधा एक घंटा तक मेंटेन रहता है कई बार उन्हें ड्रायर से भी सुखाना पड़ता है आ, कई बार गर्म हवा से उसको सुखाना पड़ता है तौलिया लपेट के रखना पड़ता है लंबे समय तक जिससे बाल ड्राई हो सके तो बाल जो होते हैं वो नमी को रोकते हैं तो जिनका भी वो रीज़न हेयर ही होगा और प्यूबिक एरिया में तो सबके हेयर्स होते हैं और थाइस के बीच में भी काफ़ी लोगों के हेयर होते हैं आ, और बटक्स के बीच में भी काफ़ी लोगों के जिनका हेयरी शरीर होता है उनके काफ़ी ज़्यादा बाल होते हैं तो ऐसे लोग ज़्यादा ससेप्टिबल हैं ज़्यादा रिस्क पे हैं दाँत के और यदि आपने जो सिंथेटिक अंडरवियर पहनना शुरू कर दिया तो और ज़्यादा रिस्क बढ़ गया नेक्स्ट जो uh, कॉजेशन में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी के समय की वो हो चुकी है वो है मोटापा अभी मोटापा बहुत बड़ा सिरदर्द हो चुका है पूरे दुनिया के सामने एक स्ट्रगल है तो जो मोटापा होता है तो उससे क्या होती है कि स्किन आपस में चिपकने लगती हैं प्राकृतिक रूप से भी स्किन पतले लोगों में चिपक रही थी इन एरियाज़ में जब आप मोटे हो गए तो आपकी जान आपस में रगड़ खाने लगते हैं आपकी जो बटक्स हैं जो कूल्हा है वो और ज़्यादा चिपक जाता है और एक तरह से क्लोज्ड पॉकेट मतलब एक तरह से समझ लें बंद कंपार्टमेंट या बंद अपार्टमेंट या कुकर जैसा कंडीशन हो जाता है कि मतलब वहाँ उस एरिया में पसीना मिलेगा ही मिलेगा पसीना वहाँ पर ट्रैप हो गया फंस गया अब वो निकल नहीं सकता है तो ये बीमारी मोटे लोगों को यदि आपका वजन ज़्यादा है तो आप निश्चित तौर पे इस बीमारी के लिए ज़्यादा ससेप्टिबल हैं ज़्यादा रिस्क पे हैं अब हमारी सोसाइटी में एक बहुत ही कॉमन कहावत है या प्रचलन है कि यदि जब तक आप थोड़े मोटे नहीं रहेंगे तो आप अच्छे परिवार के नहीं हैं मतलब खाते पीते परिवार के नहीं हैं आप गरीब परिवार के हैं तो मतलब मोटा शरीर हो तंदुरुस्त दिखने में तंदुरुस्त जैसे मोटापन लिए हुए शरीर हो हु, तो उसको अच्छा माना जाता है लेकिन ये बिल्कुल ही गलत बात है व्यक्ति का शरीर पतला शरीर अच्छा शरीर होता है रोगों की दृष्टिकोण से जो मोटा शरीर है वो रोगों का घर है केवल दाद ही नहीं मोटापे से बहुत ही तरह के नए युग की बीमारियां अब समाज में पैदा हो रही हैं बीपी शुगर इस तरह की बीमारियां हार्ट की ब्रेन स्ट्रोक की ये सारी बीमारियां मोटापे की वजह से हो रही हैं अब कैसे पता चले कि आप मोटे हैं कि नहीं हैं काफ़ी लोगों को पूरे जीवन ये एहसास ही नहीं होता है कि वो मोटे वो समझते हैं कि यही नॉर्मल शरीर है ये थोड़ा सा पेट निकला होना चाहिए थोड़ा गाल भरा पूरा होना चाहिए तो उसको लोग मानते हैं कि हाँ ये व्यक्ति स्वस्थ है अच्छा है ये ये बिल्कुल ही गलत तथ्य है बिल्कुल ही भ्रांति वाला तथ्य है आपको आप पता करना है कि आपको मोटापा कैसा है तो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था बॉडी मास इंडेक्स बी मतलब आपकी लंबाई पर आपका वेट का क्राइटेरिया है तो यदि आपका बी एम आई तेईस से ज़्यादा है तेईस से ज़्यादा है तो आप मोटे लोगों में काउंट किए जाएंगे। एक मोटा मोटा मैं पैरामीटर बताना चाहूँगा कि जैसे आपकी लंबाई यदि पाँच फुट दस इंच है मतलब एक सौ पचहत्तर एक सौ अस्सी सेंटीमीटर यदि आपकी लंबाई है तो उस कंडीशन में आपका वज़न यदि पचहत्तर किलो से ज़्यादा है तो आप मोटे लोगों की कैटेगरी में आएंगे मोटा मोटा है ये हालांकि आइडियली बीएमआई से ही कैलकुलेट होना चाहिए और कोई पाँच फुट तीन चार इंच का है तो अधिकतम पचपन किलो अट्ठावन किलो से ज़्यादा वज़न मोटापे की कैटेगरी में आपको शामिल करेगा तो अधिकांश लोग ये समझते हैं कि सत्तर किलो का वजन तो शरीर का होना ही चाहिए पचहत्तर किलो होना ही नहीं चाहिए नहीं तो आदमी कमजोरी से मर जाएगा तो ये समझ लेने वाली बात है आपके शरीर पे तेल या मोटापा ज़्यादा है तो कतई आपको एक्स्ट्रा शक्ति नहीं देता है जो शरीर में शक्ति होती है वो सही भोजन और वाइटमिन के इंटेक से होती है और मांसपेशियों के मजबूत होने से होती है तेल की परत मोटापा की परत एक्स्ट्रा चढ़ जाने से आपको शक्ति नहीं मिलेगी तो इस फॉर्मूला से बी से आप अपना पता कर सकते हैं कि आपका कितना मोटापा है तो अभी के सिनेरियो में मोटापा एक बहुत ही सामान्य बात है मतलब बहुत भारी मात्रा में लोग मोटापे से परेशान हैं तो मोटापा जो होता है वो दाद के लिए बहुत ही खतरनाक चीज़ है क्योंकि पेट की जो स्किन होती है वो निचले पेट के हिस्से से आपस में चिपकने लगती है जाएंग की स्किन चिपकने लगती है बटक की स्किन जो है वो आपस में चिपकने लगती हैं तो ये सब रिस्क होते हैं दाँत के लिए इसी तरह से यदि आपको डायबिटीज़ है मतलब या फिर कोई इम्यून सिस्टम को कमजोर करने वाली बीमारी है जैसे कि एच या इसी तरह की और भी बीमारियां जो इम्यूनिटी को कमज़ोर कर देती हैं वीक कर देती हैं ये सब बीमारियां भी आपको दाद के लिए ज़्यादा प्रीडिस्पोज करती हैं तो इसी तरह से डायबिटिक में गांव में एक कहावत है कि 200 तक आपका ब्लड शुगर है तो उतना तो बी शुगर के ऐसे काफ़ी लोगों के मुंह से सुनने को मिल जाएगा कि शुगर के मरीज़ में तो 200 सौ शुगर तो रहेगा ही रहेगा अब इससे क्या कम रहेगा तो ये भी बिल्कुल गलत भ्रांति है शुगर के मरीज़ को भी नॉर्मो ग्लाइसमिक होना की कोशिश करनी है मतलब नॉर्मल ब्लड शुगर होने की कोशिश करनी है तो ये मन को सांत्वना देने वाली बात है कि आप जैसे एक्सरसाइज से इन चीज़ों से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं अपने अपने डॉक्टर को दिखा नहीं रहे हैं समय से दवाइयाँ नहीं खा रहे हैं शुगर ज़्यादा हो रहा है तो आप खुद को जस्टिफाई कर रहे हैं खुद को सांत्वना दे रहे हैं कि हाँ इतना शुगर रहेगा तो क्या ही दिक्कत है इतना तो चाहिए ही चाहिए इतना नहीं रहेगा तो शुगर के मरीज़ में कैसे काम चलेगा तो ये बिल्कुल ही गलत बात है शुगर के मरीज को भी बिल्कुल नॉर्मल शुगर होना चाहिए तो जो डायबिटिक्स पेशेंट हैं वो इंक्रीज रिस्क पे हैं दाँत के इसी तरह आपके घर में किसी को दाँत की परेशानी है तो घर के दूसरे मेंबर्स भी दाँत की बीमारी को आसानी से पा सकते हैं क्योंकि दाँत जो है कीटाणु आपके शरीर से कपड़ों पे जाएगा चादर तौलिया बेडशीट पिलो कवर इन सब चीजों पे जाएगा फिर वो जो कीटाणु है घर के दूसरे मेंबर्स के स्किन पे चिपक जाएगा जब भी वो लोग इस इस चीज़ों को उपयोग में लाएंगे और दाँत की बीमारी तो इसीलिए कई बार ऐसा देखा जाता है कि पूरा घर ही दाँत से परेशान है और एक का ठीक हो रहा है तो वो ये बोलेगा कि मेरा ठीक हुआ फिर आ, दूसरे को हो गया दूसरे तीसरे से तीसरे से, से चौथे को ऐसे ही मतलब घर से दांत निकल ही नहीं पा रहा है तो ऐसा काफ़ी कि सालों साल से हम इलाज कर रहे हैं ठीक ही नहीं हो रहा है दाँत तो उसके पीछे यही कारण है कि एक से दूसरे को फैलते फैलते सबको हो गया दाँत एक का ठीक भी हो रहा है तो बाद में जो दाँत से ग्रसित मरीज है उससे फिर से दाँत का कीटाणु पा जा रहा है तो मतलब गोल गोल चक्कर बन गया तो ऐसे कंडीशन में एक साथ पूरे घर का इलाज करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है नहीं तो कंटिन्यूस घर में दाँत बना रहता है दाँत का कीटाणु जो होता है वो जानवरों को भी इन्फेक्ट कर सकता है तो जैसे आपके घर में जानवर हैं जैसे कुत्ता है डॉग है कैट बिल्ली है गाय भैंस है तो इनको भी दाद होता है तो कई बार ऐसा होता है कि इनको दाद है और फिर आप इनसे दाद को आप पा गए तो अपने जानवर में देखें कि कहीं खुजली वाले उसके दाने तो नहीं पड़ रहे हैं कहीं से उसका बाल तो नहीं उड़ गया है गोल सा कहीं फोड़ी फुंसी तो नहीं बन रही उसके शरीर में और ऐसा कुछ हो तो अपने जो वेटनरी डॉक्टर हैं जो जानवरों के डॉक्टर हैं उनसे मिल के उसको इलाज करवा लें नहीं तो आप रिस्क पे रहेंगे मतलब आपको भी उससे फैल जाएगा ऐसा लगेगा कि उसको हुआ है तो जानवरों की बीमारी कैसे आपके अंदर आएगी तो ये बिल्कुल गलत भ्रांति है इसी तरह से जो लोग ज़्यादा आउटडोर एक्टिविटीज़ में रहते हैं ज़्यादा जैसे जो भी लोग पसीने में रह रहे हैं जैसे लेबरर हैं मजदूर हैं किसान हैं या फिर जो लोग ज़्यादा देर पानी में रहते हैं जैसे कि धोबी धोबी जो है वो पोखरे में कपड़े को धो रहा है या पानी वाले जगह पे कपड़े को धो रहा है तो दिन भर उसका पैर भीगा रहता है पानी के अंदर तो दाद का कीटाणु जो होता है उंगलियों के बीच में लग जाता है नाखून में लग जाता है तो ऐसे लोग भी इसी तरह से जो लगातार स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में हैं तो उनके शरीर पर पसीना बहुत ज़्यादा हो रहा है उनको भी दाद आसानी से लग जाता है तो ये था दाद के होने के पीछे का कारण तो इसमें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे इथियोलॉजी इसकी बनती है तो जब आपको एक बार रोग के होने का कारण समझ में आ गया तो इसका इलाज भी समझना आसान हो जाएगा क्योंकि हमें इन कारणों को दूर करना है ताकि हमें एक तो दाद लगे न और दाद का कीटाणु लग जाए तो वो फिर ठीक हो सके तो जो दाद बीमारी है उससे बहुत सारे लोग अवगत हैं इसको मेडिकल टर्म में रिंग वम भी बोला जाता है रिंगवम का नाम कैसे बना तो ये गोल सा चकत्ता बनाता है रिंग और वर्म जैसे कीड़े जो होते हैं उसी तरह से इसकी उभरी हुई किनारी होती है लाल रंग की तो इसी से इसका नाम पड़ा रिंगवम तो इसका डायग्नोसिस जो होता है आप अधिकांश लोग खुद भी कर लेते हैं मतलब इतना ये कॉमन बीमारी है तो इसको डायग्नोस करना मुश्किल नहीं है कन्फ्यूजन है तो आप अपने डॉक्टर से मिल करके इसका डायग्नोसिस करवा सकते हैं डॉक्टर के लिए भी डायग्नोसिस बहुत ही सिंपल होता है कुछ केसेज में निश्चय ही डॉक्टर को भी कन्फ्यूज़न आता है तो उन केसेज में कुछ माइनर टेस्ट होते हैं जैसे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्टेनिंग के एच स्क्रैपिंग इसको बोला जाता है हल्का सा स्किन खुरच करके उसमें दर्द नहीं होता है ना ही खून निकलता है स्किन को आपको हल्का सा स्क्रैपिंग करके उस स्क्रैपिंग के मटेरियल को माइक्रोस्कोप में देख लिया जाता है और फंगस बहुत आसानी से दिख जाता है कुछ केसेज में जिनमें दवाइयों से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स न आ रहा हो उन केसेज में कल्चर एंड सेंसिटिविटी भी कराया कराना पड़ता है डॉक्टर की मतलब कि कौन सी दवाई काम करेगी तो उस रिपोर्ट से पता चल जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है कि इसके इलाज की या फिर क्या हम कर सकते हैं कि जिससे हमें ये फंगस ना लगे तो सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि जब भी संभव हो तो जो पसीने वाला या मॉइस्चर वाला इन्वायरमेंट है नमी वाला जो वातावरण है उससे बिल्कुल बचें या फिर आप नमी वाले वातावरण में गए तो वहाँ से वापस आने के बाद तुरंत नहा लें साबुन से अब यहाँ पे ध्यान देना है कि अभी के समय में डॉक्टर इस बात पर राजी हैं कि कोई भी मेडिकेटेड साबुन इस्तेमाल नहीं करना है जिसमें कोई एंटीबायोटिक पड़ी हो तो काफ़ी डॉक्टर डिटॉल या सेवलॉन बेस्ड साबुन या दूसरे जो एंटीबायोटिक बेस्ड सोप हैं उनके इस्तेमाल को मना कर रहे हैं क्योंकि ये जो स्किन की फ्लोरा होती है उसको अल्टर कर देते हैं और दाँत का कीटाणु बढ़ने का मौका मिल जाता है हमारे स्किन पे कुछ रक्षा करने वाले प्राकृतिक कीटाणु मौजूद होते हैं जीवाणु मौजूद होते हैं जो कि दाँत के कीटाणु को लगने नहीं देते मतलब बाहरी कीटाणु को लगने नहीं देते हैं और हमारी चमड़ी की रक्षा करते हैं तो जब साबुन आप इस्तेमाल करते हैं तो जो प्राकृतिक जो आपके नेचुरल जो प्राकृतिक जीवाणु थे वो मर जाते हैं तो जो बाहर का कीटाणु है वो आपकी स्किन पे घुसपैठ करने का आसानी से मौका मिल जाता है जैसे कि इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे यदि इंडियन सैनिक कम कर दिए जाएं किसी भी माध्यम से तो जैसे आपने एंटीबायोटिक सोप यूज किया तो जो गुड बैक्टीरिया थे स्किन के वो ख़त्म हो गए तो जब सैनिक कम पड़ गए तो जो टेररिस्ट हैं जो गलत एलिमेंट्स हैं जो घुसपैठिए हैं वो आसानी से पैठ बना लेंगे तो इसी तरह से ये कीटाणु जब स्किन का गुड बैक्टीरिया कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है तो आसानी से पैठ बना लेता है इसी कारण से अब काफ़ी डॉक्टर इसका विरोध करने लगे हैं कि आप कोई भी एंटीबायोटिक बेस सोप ना इस्तेमाल करें आपको सिंपल साबुन इस्तेमाल करना है जिसमें कोई एंटीबायोटिक नहीं है तो अभी मार्केट में तमाम साबुन जैसे डव लक्स पियर्स इस तरह के साबुन जिनमें कुछ भी एंटीबायोटिक केमिकल्स नहीं मिले हैं उससे आपको नहाना है तो बाहर से जैसे ही इन्वामेंट से आप आए तो आप आप तुरंत नहा लें अब जब आपने नहाया तो नहाना भी एक तरह का नमी हुआ तो नहाने के बाद तौलिया से शरीर को बहुत अच्छे से पूछ लेना और ड्राई कर लेना सुखा लेना बहुत आवश्यक है यदि आप नहीं सुखाएंगे तो फिर से आपने एक मौका दे दिया दाँत के कीटाणु को स्किन पर बैठने में इसी तरह से जब सूख जाए तो केवल सूखे ड्राई अंडर गारमेंट्स पहनने हैं आपको जैसे गीले बरसात के मौसम में गीले अंडरवियर बहुत ही सामान्य बात है लोग उसे पहन लेते हैं और उसके बाद दाँत की परेशानी हो जाती है तो कतई भी आप गीले अंडरवियर बिल्कुल ना पहने बिल्कुल ना पहने कोशिश करें कि अंडरवियर जो हो आपका बिल्कुल हल्के कपड़े का हो पतले कपड़े का हो और 100 परसेंट कॉटन का हो ढीला ढाला हो खुला हो हवादार हो जिससे कि यदि गर्मी पसीने से अंडरवियर गीला भी हो जाए नमी भी उसमें बैठ जाए तो वो तुरंत सूख सके जो मॉडर्न अंडरवियर हैं जो इस युग के अंडरवियर हैं वो आपको ऐसा लगेगा कि अच्छे हैं अच्छे से अच्छे ब्रांड्स का आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको दांत की परेशानी नहीं लगेगी तो ये बिल्कुल ही गलत है आप आपको अब इस इस एस्पेक्ट इस में आपको ये समझना होगा कि जो गांव में जंगिया नाम का जो कपड़ा है वो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित रहा है लेकिन अब लोगों को धीरे धीरे जंगिया पहनने में शर्म आने लगी है उन्हें ऐसा लगता है कि वो देहाती गवार समझे जाएंगे इसको पहनेंगे उनका रेपुटेशन उनका लेवल नीचे चला जाएगा तो उन्हें शर्म महसूस होने लगी है लोगों को विशेष करके शहर के लोगों को तो जब भी हम लोग सलाह देते हैं तो लोग हंसते हैं कि अरे डॉक्टर साहब ये क्या आपने बता दिया कि जंगियाँ आप कहाँ सिलवाने जाएंगे कहाँ मिलेगा और जंगियाँ पहनेंगे तो लोग क्या सोचेंगे तो इसमें भी शर्म आने लगी है अब एक अच्छा हेल्थ रखने में भी लोगों को शर्म आने लगी है तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि केवल आदत की बात होती है जैसे जो आप अंडरवियर पहन रहे हैं तो जब आप खुद को कॉटन के कपड़े पे पतले ढीले डाल ढीले ढाले हवादार कपड़े पे शिफ्ट करेंगे जंगिया पे शिफ्ट करेंगे तो दस दिन और लगेगा दस दिन के बाद आपको खुद ही कंफर्टेबल दस दिन आपको अटपट लगेगा कि अजीब सा लगेगा दस दिन के बाद आप खुद ही कंफर्टेबल हो जाएंगे बाद में लगेगा कि मैंने सही डिसीज़न लिया तो इस तरह के कपड़ों का इस्तेमाल करना है इसी तरह से दूसरा जो बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में है वेस्टर्न कपड़े जींस जो कि मोटे कपड़े चुस्त कपड़े से बना होता है आपकी स्किन से चिपका रहता है स्किन पर मजबूती से चिपका रहेगा जींस का कपड़ा पसीने को फिर से वो बाहर स्किन से वापस नहीं आने देगा तो यदि आप अपने आप को दांत से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो जींस का प्रयोग कम से कम करें हमेशा खुले हवादार कपड़े जो फॉर्मल जींस का जो प्रचलन है बहुत ही ज़्यादा हर घर घर में ये घुस चुका है तो बिल्कुल भी आप ना शरमाएँ आप ऐसा ना सोचें कि आप आउट ऑफ ट्रेडिशन हैं आप गवार टाइप के हैं फॉर्मल जो पैंट होते हैं कॉटन के ढीले ढाले इसी तरह से फॉर्मल जो कपड़े लेडीज़ के लिए आते हैं साड़ी हो गई सूट हो गए जो कॉटन के बने होते हैं उनका इस्तेमाल करें ये बहुत ही जरूरी है नेक्स्ट जो आता है कि यदि आपका वजन है तो वजन को कम करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है दाद की बीमारी से बचने के लिए या फिर दाद का हमेशा के लिए दाद से मुक्ति पाने के लिए तो वजन कम करने के लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है और उसको आप अच्छे से देख लेंगे तो आपको जानकारी हो जाएगी कैसे हम वज़न कम कर सकते हैं नेक्स्ट जो आता है जिनका हेयरी रीजन है जिनका ज़्यादा बाल से भरा हुआ रीज़न है।, है तो यदि आपके शरीर पे ज़्यादा बाल हैं तो ऐसे कंडीशन में आपको उसको ट्रिमर से ट्रिम कर लेना है या फिर उसको सेव कर लेना है केमिकल जो हटाने वाले होते हैं मार्केट में आजकल बहुत ज़्यादा उपलब्ध हैं तो उनके उपयोग से बचें जो बाल को हटाने वाले तमाम केमिकल्स मार्केटेड हैं कभी कभी उनकी वजह से एलर्जी हो जाती है तो स्किन वहाँ की डैमेज हो जाती है तो जो ट्रिमर होते हैं बाजार में अब बहुत अच्छे अच्छे ट्रिमर अवेलेबल हैं तो जो ट्रिमर हैं वो सेफ़ हैं उनसे किसी तरह का हार्म नहीं है तो वो उस एरिया को विशेष करके जो जननांग के आसपास के एरिया है या कूल्हे के पास के एरिया है या कांख की स्किन है वहाँ के बालों को हमेशा हटाए रखें बिल्कुल क्लीन रखें उस एरिया को डेली स्नान करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है रोज़ाना के आधार पर आप नॉन मेडिकेटेड सूप से स्नान करें और उसको सूखा रखें चाहे वो ठंडी हो गर्मी हो हाइजीन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है दाँत का कीटाणु यदि शुरुआती फेज में आपकी स्किन पे लग भी गया तो आपके नहाने की प्रक्रिया में वो वॉश आउट हो पाए हो जाएगा आपकी स्किन को चिपक नहीं पाएगा और डैमेज नहीं कर पाएगा यदि आप डायबिटीज़ के मरीज हैं तो आपको डायबिटीज़ कंट्रोल में रखना बिल्कुल आवश्यक है तो इसके लिए आपको अपने डॉक्टर के परामर्श में समय समय पे गोलियां लेनी है व्यायाम करना है एक्सरसाइज करना है और ब्लड शुगर को अच्छे से मेंटेन करके रखना है घर में किसी को भी दाद हो जाए तो उसको हल्के में ना लें क्योंकि अब दाद एक साधारण और सिंपल बीमारी नहीं रह गई है इसे समझना है और घर में कई लोगों को हो तो एक साथ इसका इलाज करवाएं निश्चित तौर पर फाइनेंशियली बर्डन पड़ेगा लेकिन ये ज़्यादा लॉन्ग टर्म पर अच्छा सिद्ध होगा एक बार में पैसे का खर्च तो होगा लेकिन वो ज़्यादा अच्छा साबित होगा और लंबे समय पे वो बचत के तौर पर ही साबित होगा क्योंकि सालों साल इलाज से बढ़िया है कि एक बार में ही दो चार महीने का इलाज हो जाए तो ये सब चीज़ें थीं जिससे कि आप दाद से बच सकते हैं इसी तरह से गर्म इन्वायरमेंट में आप जा रहे हैं तो पहले से ही पाउडर का इस्तेमाल कर लें अब पाउडर के इस्तेमाल में आप कोई भी पाउडर घर पे पड़ा हो कोई भी सिंपल डस्टिंग पाउडर आप इन एरियाज में जहाँ पर पसीने रुकते हैं उन एरियाज में पाउडर का इस्तेमाल कर लें जैसे जांग की स्किन पे पीछे कूल्हे में कांख में इन सब एरियाज में इस्तेमाल कर सकते हैं इसी तरह से बाजार में तमाम तरह की क्लोट्रिमाजोल बेस्ड पाउडर उपलब्ध है जिसमें क्लोट्रिमाजोल नाम की एक दवाई पड़ी रहती है तो आप कोई भी क्लोट्रीमाज़ोल बेस्ड पाउडर बिना अपने डॉक्टर के पूछे भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्लोट्रिमाज़ोल पाउडर को लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर भी किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं पाया गया है तो ये जो हैं बहुत कॉमन मीजर्स हैं जिसको आपको करना है जिससे कि आपको दाद न लग सके लेकिन एक बार दाद आपको लग गया तो अब आपको इलाज करवाना बिल्कुल ज़रूरी है तो काफ़ी लोग ये समझते हैं कि दाद एक बहुत ही हल्की फुल्की बीमारी है तो ये ऐसा समझना बिल्कुल ही सही था आज के दस साल पहले आज के बारह साल पहले लेकिन अब ऐसा समझना बिल्कुल अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है दाद अब एक सरल बीमारी नहीं रह गई है दाद की बीमारी आपको लगे तो तुरंत ही अपने डॉक्टर से मिलकर के इसका इलाज करवाएं। दाद के लिए बहुत ही लिमिटेड दवाइयाँ उपलब्ध हैं और दाद एक चैलेंजिंग बीमारी बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग और चैलेंजिंग बीमारी के तौर पर डॉक्टर्स के सामने पैदा के आया है क्योंकि दाद की बहुत लिमिटेड बीमारियाँ हैं और दाद में रजिस्टेंस म्यूटेशन नाम की एक चीज़ देखी जा रही है कि जो दवाइयां पहले काम करती थीं अब वो दवाइयां काम करना बंद कर दी हैं बिल्कुल फ्लॉप हो चुकी हैं तो पहले के समय में लोग कुछ भी क्रीम लेकर के लगा लेते थे दाँत ठीक हो जाता था अब वो बात नहीं रही है दाँत का कीटाणु मजबूत हो चुका है जैसे अभी आपने सुना होगा कि कोरोना का जो कीटाणु है वो एक कीटाणु का वैक्सीन बन रहा है दूसरा कीटाणु पैदा आ जा रहा है कभी डेल्टा वेरिएंट आ गया कभी कोई वेरिएंट आ गया कभी ओमाइक्रॉन वेरिएंट आ गया तो वैज्ञानिक काफ़ी ज़्यादा परेशान रहे तो कभी पहला वेव आया किसी दूसरे वायरस के स्ट्रेन से मतलब कोरोना वायरस ही है लेकिन उसी के अंदर परिवर्तन हो गया तो इम्यूनिटी बनी तब तक उसमें म्यूटेशन होगा वायरस ने खुद को बदल लिया तो इसी तरह से जो दाद का कीटाणु है वो एक जीवित कीटाणु है जैसे हम लोग अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो वैसे ही दाद का कीटाणु भी अपने जीवन के लिए बिल्कुल संघर्षरत है और एक मजे की बात ये है इंटरेस्टिंग बात ये है कि अभी के समय में दाँत का कीटाणु इंसानों से ज़्यादा सफल और मजबूत दिख रहा है कि जो एंटीबायोटिक वैज्ञानिक बना पा रहे हैं उससे एक कदम आगे दाद का कीटाणु चल रहा है कि आपने एंटीबायोटिक बनाई थोड़े दिन तक दाँत का कीटाणु मरा उससे उसके बाद वो रेजिस्टेंट हो जा रहा है जैसे आज के दस साल पहले तर्बिनाफिन नाम की एक दवाई और ग्रीसियोफलविन नाम की एक दवाई बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थी दाँत के इलाज में लोग एक हफ्ते दस दिन पंद्रह दिन की क्रीम लगा लेते थे गोली खा लेते थे दाँत का कीटाणु ख़त्म हो जाता था अब ये दो दवाइयाँ हैं शायद ही किसी मरीज को महीनों देने के बाद भी किसी का दाँत ठीक कर पाए मतलब कि दाद का कीटाणु के ऊपर अब इन एंटीबायोटिक जिस जो पहले बहुत अच्छे से काम करती थी अब एकदम सख्त हो गया है अब एकदम ही नहीं काम कर रहा है बिल्कुल बेकार हो गई मतलब साइंस के दो इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स बिल्कुल ही बेकार हो गए इसी तरह से अभी के समय में फ्लूकोनाजोल और इट्राकोनाजोल के खिलाफ यही परेशानी देखने को मिल रही है डॉक्टर्स को कि मतलब कि ये दवाइयाँ पहले बहुत अच्छे से इलाज करती थी दाँत का लेकिन अब नहीं इलाज कर पा रही हैं अब कारगर नहीं है तो दाँद में रेजिस्टेंस और म्यूटेशन बहुत ही कॉमन फिनोमिना हो गया है तो दाद की बीमारी को बिल्कुल भी हल्का न आँखें दाद जैसे ही हो अपने डॉक्टर से मिल कर के उसका तुरंत इलाज करा लें तो दाद के इलाज के लिए अभी जो है लगाने वाली दवाइयाँ और खाने वाली दवाइयाँ दोनों मौजूद हैं और आपका डॉक्टर अधिकांश केसेस में जो रेगुलर केयर जिसके बारे में मैंने डिटेल में बात की है उसके अलावा ये जो दवाइयाँ हैं कॉम्बिनेसन थेरेपी के तौर पर दे रहे हैं क्योंकि एक दवाई अब कारगर नहीं रह गई है मतलब खाने वाली दवाई भी कई बार तो ऐसा हो रहा है कि खाने वाली में दो तरह की एंटीफंगल एक साथ दी जा रही है जैसे कि इट्राकोनाजोल दिया गया और प्लस टर्बिनाफिन दिया गया इसी तरह से कुछ लोग इट्राकोनाजोल प्लस क्रेसियोफलविन भी प्रेफर करते हैं और लगाने वाली दवाइयों में कई और दवाइयाँ दूसरे क्लास की एंटीफंगल की जैसे कि साइक्लोपिर एमरोल्फिन या फिर कीटो कोनाजोल लली कोनाजोल इबर कोनाजोल इस तरह की दवाइयाँ नेफ्टिफिन इस तरह की दवाइयाँ साथ में ही दी जा रही हैं दाद का इलाज का कितना समय का कोर्स हो तो अभी के समय में अधिकांश मरीजों में दाद का इलाज कम से कम तीन से चार महीने का अधिकांश डॉक्टर प्रेफर कर रहे हैं कुछ मरीजों में छः महीने की भी इलाज दी जाती है अब किन मरीजों में लंबे समय तक इलाज दी जाती है उन मरीजों में लंबे समय तक इलाज दी जाती है जो पहले से ही कुछ क्रीम बाज़ार से लेकर के मेडिकल स्टोर से लेकर के किसी छाप डॉक्टर से लेकर के उस पहले ही उसको ख़राब कर चुके होते हैं केस तो जितने भी केसेस खराब हो रहे हैं उसमें लंबे समय तक थेरेपी की ज़रूरत पड़ रही है तो कभी भी इस बीमारी में सेल्फ मेडिकेट ना करें और ये ध्यान रखें कि स्टीरॉयड क्रीम जो कि आसानी से बाजार में उपलब्ध हो जाती हैं इसके इलाज के लिए उसे कभी भी ना लें तो एक सिंपल फार्मूला ये याद रखें कि जो भी डर्म में नाम की क्रीम है उनसे आपको बचना है कोई कितना भी बोले कि ये मेरा दाँत को एकदम साफ़ कर दिया था तुम भी लगा लो एकदम नहीं लगाना है क्वाडिडम पैंडम फोरडम ये सब जितनी भी डर्म नाम की क्रीमें हैं जिनके अंत में डर्म लगी होती हैं तीन में से अधिकांश क्रीमें दाँत के लिए खतरनाक हैं इसी तरह से लोबेट जियम बेटनोवेट मोमेटासोन मोमेट डर्माकेटी डर्माकेटी प्लस डर्माकेटी न्यू इस तरह की जो दवाइयाँ हैं जिनमें स्टीराइड मिली हुई होती हैं उनका भी आपको इस्तेमाल नहीं करना है चाहे कोई कितना भी भरोसा दिलाए आपको बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना है और यदि संभव हो तो उसमें यह भी निरीक्षण करें कि कोई भी क्रीम आप लगाने जा रहे हैं तो उसमें कोई स्टीरॉयड क्रीम नहीं मिली हो तो जो सबसे ज़्यादा स्टीरॉयड क्रीम दुरुपयोग में लाई जाती है वो होती है क्लोबिटासोल मोमेटासोन एंड बेटा मिथासोन तो जो ये स्टीरायड बेस्ड क्रीम है तो ये चेक कर लें कि कहीं आपकी क्रीम में क्लोबिटासोल मोमेटासोन या फिर बीटा मिथासोन फ्लुब्डिकासन सोन सोन करके कोई दवाइयाँ तो नहीं मिली हुई है एस ओ एन ई सोन एंड सॉल क्लोबिटासोल तो ये जो दवाइयाँ होती हैं ये दाद को कीटाणु को और ज़्यादा मजबूत कर देती हैं दाद का कीटाणु चमड़ी में और ज़्यादा अंदर प्रवेश कर जाता है और उसके भयानक परिणाम देखने को सामने आते हैं इसके अलावा स्टीरोयड क्रीम की वजह से होने वाले दूसरे नुकसान और भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं जिसके बारे में हमने अलग से दूसरे वीडियो में डिस्कस किया है इसी तरह से गांव में स्टीरोयड गोलियों का भी काफ़ी ज़्यादा प्रचलन है दाद के इलाज में तो गांव के जो क्वैक्स हैं वो ट्राइकॉट का इंजेक्शन लगाते हैं बिटनीसॉल की गोली देते हैं डेक्सोना नाम की दवाई का भी इंजेक्शन लगाते हैं तो इस तरह की दवाइयों से भी बिल्कुल बचें तो इसमें प्रॉपर एंटी फंगल गोलियों और एंटी फंगल क्रीम्स और बचाव के जो साधन जिनके बारे में बताया गया है यदि अच्छे से डॉक्टर की निगरानी में आपने उपयोग किया तो आपका दाद खत्म हो जाएगा जो मैंने बात की इट्राकोनाजोल रेजिस्टेंस की तो ये अब एक बहुत ही चैलेंजिंग प्रॉब्लम है सभी डॉक्टर्स के सामने और अब धीरे धीरे ऐसे मरीज आने लगे हैं जो कि इट्राकोनाजोल नाम की गोली से नहीं रेस्पॉन्ड कर रहे हैं और जो पुरानी जितनी भी दवाइयाँ हैं वो सारी दवाइयों से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं तो ऐसे केसेस में डॉक्टर्स कुछ डॉक्टर्स अब हाइयर ग्रुप की एंटीफंगल की भी दवाइयाँ इस्तेमाल करने लगे हैं तो ये जितनी भी एजोल नाम की दवाइयाँ हैं इट्राकोनाजोल फ्लूकोनाजोल तो ये दवाई भी खुद से ना लें ये भी अपने डॉक्टर के परामर्श से ही लें क्योंकि यदि गलत तरीके से इनका उपयोग हुआ तो एक समय आएगा जब पूरी सोसाइटी में ही ये दवाइयाँ पूरी तरह से बेकार हो जाएंगी जैसे आज के समय में टर्बिनाफिन और ग्रेस्योफलविन नाम की दवाई हुई है तो यदि ट्रकोनाजोल से भी रेजिस्टेंस आ रहा है आपके केस में तो आप अपने डॉक्टर से मिलें पहले तो वो जानने की कोशिश करेगा कि कौन सा कारण है जिसकी वजह से आपकी किस में रिस्पॉन्स नहीं आ पाएगा यदि ट्रू रजिस्टेंस हुआ इट्राकोनाजोल की तो उस कंडीशन में एक हाइयर एंटीफ़ंगल है जिसका नाम मैं नहीं जिक्र करूंगा ताकि उसका दुरुपयोग न हो वो दवाई आपका डॉक्टर दे करके ठीक करेगा यदि सही से आपने उपयोग किया तो निश्चित तौर पे आपको दाँत से मुक्ति मिलेगी थैंक यू